नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह ईस्टर्न बुक लिंकर्स द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में सर्व सिद्धांत संग्रह ऑफ शंकराचार्य है, टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन नोट्स एंड ग्लॉसरी। तो मूल संस्कृत जो है वह दिया गया है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद, इंट्रोडक्शन नोट्स और ग्लॉसरी दी गई है। अनुवादक या व्याख्याकार श्री एम रंगाचार्य जी हैं। पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है। मैंने अमेज़ॉन से यह पुस्तक खरीदी थी और कुल पृष्ठ इसमें 168 हैं, जिसमें से 18 पृष्ठों पे फॉरवर्ड, विषय सूची इत्यादि, भूमिका वगैरह है, और 150 पृष्ठ में मूल ग्रंथ और अंत में ग्लॉसरी इत्यादि है। यहाँ पुस्तक के बारे में एक संक्षेप में इंट्रोडक्शन दिया गया है, मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। द सर्व दर्शन सिद्धांत संग्रह, ऑल्सो नोन एज सर्व सिद्धांत संग्रह, ascribed to the great Advaita teacher Shankaracharya, is a versified epitome of the basic tenets of the major schools of Indian philosophy, both theistic and atheistic. The work faithfully presents the conclusions of all the schools, each in a separate chapter, in lucid and as far as possible non-technical language. It avoids all the controversies among different schools. It is a very useful work for the students of any branch of Indian philosophy, because without the basic knowledge of all the branches, it is difficult to comprehend any particular school. Its ascription to Shankaracharya may be doubted, but it is nevertheless an early medieval work. जैसा कि हम जानते हैं कि श्री आदि शंकराचार्य के नाम पे आज के समय में करीब 500 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो उन सभी ग्रंथों के रचयिता नहीं हैं, उनका नाम उन सब ग्रंथों से जोड़ दिया गया है। तो वैसा ही इस ग्रंथ के साथ भी कुछ विद्वान जो हैं उनकी मान्यता है कि श्री आदि शंकराचार्य इसके रचयिता नहीं हैं, परंतु जो लेखक हैं इस पुस्तक के, जो संपादक हैं श्री एम रंगाचार्य जी, उनका मानना है कि नहीं, ये श्री आदि शंकराचार्य की ही रचना है। और अपनी भूमिका में उन्होंने विस्तृत तर्क और प्रमाण दिए हैं यह स्थापित करने के लिए कि ये श्री आदि शंकराचार्य जी की रचना है। द कॉम्पेंडियम वॉज क्रिटिकली एडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1908 ऑन द बेसिस ऑफ 5 साउथ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय प्रोफेसर एम रंगाचार्य ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, विद अ फेथफुल ट्रांसलेशन एंड ग्लॉसरी ऑफ फिलोसफिकल टर्म्स। द लर्नर्ड ट्रांसलेटर हैज ट्राइड इन द इंट्रोडक्शन to prove that the ascription to Shankaracharya may not be wrong. His arguments deserve serious attention. Such an important work remained out of print for a long time and hence almost unknown to the present generation of scholars. It is now being reprinted with the hope that it will be welcomed by the researchers in Indian philosophy. फिर ये एक फॉरवर्ड दिया गया है, इसमें ग्रंथ के बारे में कुछ बेसिक भारतीय दर्शन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, ग्रंथ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, किन किन दर्शनों का इस पुस्तक में किन किन दर्शनों की चर्चा की गई है उसके बारे में जानकारी। अब प्रिफेस हम देखते हैं। द फुल नेम ऑफ दिस वर्क एज मे बी मेड आउट फ्रॉम द कोलोफोन्स गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट स्टैंज ऑफ द लास्ट चैप्टर नेट इज सर्व दर्शन सिद्धांत संग्रह विच ऑब्वियसली इंडिकेट्स इट टू बी एन एपिटोम ऑफ द एक्सेप्टेड कंक्लूजंस ऑफ ऑल द फिलोसफिक सिस्टम्स करंट in India at the time of its production. Nevertheless, it appears to have been known by the comparatively shorter title of Sarva Siddhanta Sangraha, also as it is, for instance, found mentioned in the Pramanati Rattu. This is a Tamil name of the work, means that it is a collection of authorities of ye Manavalama Muni dwara rachit, ye koi Tamil work hai, well known religious teacher of Sri Vaishnavas of South India. फिर इस ग्रंथ के बारे में लिख, इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन यूज्ड, मतलब सर्व सिद्धांत संग्रह की 5 पांडुलिपियों का प्रयोग किया गया था इसकी रचना में। वन ऑफ दीज मार्क्ड एस पी इज अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी हियर इन मद्रास। अनदर मार्क्ड एम बिलोंग्स टू ओरिएंटल लाइब्रेरी इन मैसूर एंड वॉज वेरी काइंडली प्लेस्ड एट माई डिस्पोजल बाई मिस्टर ए महादेव शास्त्री, द क्यूरेटर ऑफ द लाइब्रेरी। श्री महादेव शास्त्री का नाम हमने पहले जब वेदांत सूत्र पे श्रीकंठ भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद हम देख रहे थे, जो द लाइट ऑफ ट्रूथ सिद्धांत दीपिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1-2 साल में की उनकी मासिक पत्रिकाओं में, तो उसमें जो ट्रांसलेटर थे वो श्री महादेव शास्त्री थे, मेरे ख्याल से ये वही हैं। द थर्ड कॉपी, जो तीसरी पांडुलिपि है, जिस मार्क्ड एज वी, इज अ कॉपी ऑफ अनदर ओरिजिनल ट्रांसक्राइब्ड फॉर द मद्रास गवर्नमेंटल ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी बाई मिस्टर एस पी वी रंगनाथाचार्य, द प्रोप्राइटर ऑफ द आर्श प्रेस एट विशाखापट्टनम। The fourth mark C is a palm leaf manuscript belonging to the palace library of His Highness the Maharaja of Cochin. It was through the kindness of the Maharaja permitted to be placed at my disposal for some months.
द फिफ्थ मार्क टी बिलोंग्स टू द ट्रावनकोर पैलेस लाइब्रेरी एंड बिकेम अवेलेबल टू मी थ्रू द काइंडनेस ऑफ मिस्टर वी पी माधवारो सी आई ई हु वॉज एट द टाइम दीवान ऑफ ट्रावनकोर ऑफ दिस पी एन एम फॉर द फाउंडेशन ऑफ द टेक्स्ट प्रिंटेड इन दिस वॉल्यूम बट दीज आर फुल ऑफ लैक्यूने बट इट हैज बीन फॉर्चुनेट दैट द लैक्यूने इन पी कुड मोस्टली बी फिल्ड अप विद द एड ऑफ मटीरियल फाउंड इंटैक्ट इन एम इन स्पाइट ऑफ इट्स इनकम्प्लीटनेस ड्यू टू द फैक्ट इट्स बीइंग अब्रप्टली ब्रॉट टू एन एंड विद द एट्थ चैप्टर द मैनुस्क्रिप्ट वी प्रूव्ड टू बी ऑफ स्पेशल वैल्यू फॉर द रीजन दैट इट कंटेन्स अ कमेंट्री तो जो मैनुस्क्रिप्ट वी है उसमें एक टीका भी थी ग्रंथ के ऊपर सिमिलरली सी ऑल्सो इज इनकम्प्लीट कंटेनिंग ओनली द लास्ट फाइव चैप्टर्स ऑफ द वर्क द मैनुस्क्रिप्ट टी इज फ्रेगमेंट्री वन कंटेनिंग वेरी मोर देन द चैप्टर्स ऑफ वैशेषिका एंड द न्याय सिस्टम्स फिर आगे इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रोफेसर जे एगलिंग ने जो संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स की कैटलॉग है इन द लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑफिस इन लंडन उसमें कहा है कि यह शंकराचार्य का रचित ग्रंथ नहीं है इट इज़ रॉन्गली अस्क्राइब्ड टू शंकराचार्य तो उसी पर चर्चा करते हैं और फिर आगे अपने प्रमाण रखते हैं कि क्यों इनके अनुसार और अन्य ग्रंथों में भी टीका टिप्पणी इस ग्रंथ पे भी जो टीकाएँ हैं या जो इस ग्रंथ से भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि क्यों ये शंकराचार्य की ही रचना मानी जा सकती है और उसमें कोई उसके लिए सफिशेंट जो है वो प्रमाण उपलब्ध है तो ये पूरी उसी पे चर्चा है विषय सूची पे आते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसके बाद दर्शन प्रारंभ हो रहे हैं इसमें किसी भी दर्शन में किसी अन्य दर्शन की चर्चा नहीं की गई है मुख्यतः कहीं कहीं एक आध जगह कुछ मेंशन दिख जाएगा लेकिन जैसे हमने सर्व इसके पहले पुस्तक देखी थी सर्वदर्शन संग्रह तो उसमें हर दर्शन के बाद अगला दर्शन उसके पहले वाले दर्शन का खंडन भी कर रहा था और अपने दर्शन का प्रवर्तन भी हर अध्याय में यहाँ वैसा नहीं है यहाँ हर दर्शन को स्टैंड अलोन रूप में प्रस्तुत किया गया है और वह दर्शन पे जो अध्याय है वो सिर्फ उस दर्शन से संबंधित जो पक्ष है उसको प्रस्तुत कर रहा है तो द सिस्टम ऑफ लोकायतास जो कि चार्वाक दर्शन हो गया द सिस्टम ऑफ अर्हतास जैन दर्शन द सिस्टम ऑफ बौद्धास उसमें माध्यमिकास योगाचार सौत्रांतिक और वैभाषिक अलग अलग से दिए गए हैं सिस्टम ऑफ वैशेषिकास वैशेषिक दर्शन न्यायिकास न्याय दर्शन थ्योरी ऑफ प्रभाकरा यहाँ पर आपको मीमांसा दर्शन जो है वो प्रभाकर और कुमारिल भट्टाचार्य जो दो ब्रांचेस हो गए थे वो अलग अलग प्रस्तुत किया गया है फिर सांख्य सिस्टम ऑफ पतंजलि यानी कि योग दर्शन सिस्टम ऑफ वेदव्यास और फिर वेदांत सिस्टम तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेदव्यास यानी कि वेदांत दर्शन को अलग लिया गया है और फिर वेदांत को आपको जो अद्वैत वेदांत है उसको अलग प्रस्तुत किया गया है तो ये इंट्रोडक्शन है मूल श्लोक दिया गया है ऊपर यहाँ देख सकते हैं नंबरिंग दी हुई है और यहाँ जो पांडुलिपि है उसकी संख्या दी गई है कि किस पांडुलिपि में यहाँ से पाठ भेद है तो एक तरह से आप इसको एक तरह का क्रिटिकल एडिशन इस ग्रंथ के लिए समझ सकते हैं क्योंकि विभिन्न पांडुलिपियों से यहाँ संदर्भ लेके और जो पाठ भेद है उसको भी अंकित कर दिया गया है नीचे अंग्रेजी में अनुवाद है सरल भाषा में ही है कुछ ज़्यादा जटिल नहीं है और इटैलिक्स में हम देख सकते हैं कि मूल जो संस्कृत और हिंदी के शब्द हैं उनको ज़बरदस्ती अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास नहीं किया गया है उससे कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत साधारण अर्थ वाले अंग्रेजी के शब्द जो हैं प्रयोग कर लिए जाते हैं जैसे प्राण के लिए कहीं कहीं एयर लिख दिया जाता है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो जाती है जैसे चक्र है मूलाधार चक्र है तो उसके जगह मूलाधार सर्किल या सर्किल लिख दिया जाता है तो वो एक जो गंभीरता है विषय की वो उससे थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है वो समझने में भी कठिनाई आती है तो यहाँ वैसा नहीं है संस्कृत और हिंदी के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल अच्छे से किया गया है जहाँ भी उसकी आवश्यकता लगी है और इटैलिक्स में उसको दिया गया है क्योंकि दूसरे मतों का खंडन नहीं है केवल अपना मत रखा गया है और वो भी बिल्कुल सरल तरीके से रखा गया है तो ग्रंथ का कलेवर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अब जैसे देखिए चार्वाक दर्शन है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और आपको बस ये दो चार पृष्ठों में समाप्त हो जा रहा है तो इसी तरह से आपको इसमें कुल 12 दर्शन दिए गए हैं और ये वेदांत जो है ये थोड़ा कलेवर में बड़ा है फिर अंत में यहाँ पृष्ठ संख्या 134 पे मूल ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है ग्लॉसरी ऑफ संस्कृत टर्म्स कंटेन्ड इन द प्रीफेस एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन तो अंदर जो संस्कृत या हिंदी के शब्द प्रयोग किए गए हैं अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकर हो या उनको वो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो यहाँ ग्लॉसरी में उन सभी शब्दों को अंग्रेजी में डिफाइन कर दिया गया है तो इस तरह से पूरा डेफिनेशन देने से उस शब्द का जो अर्थ है वो अच्छे से समझा जा सकता है इसके बनिस्पत कि उस शब्द की जगह सीधे कोई एक ही शब्द अंग्रेजी का चुनाव कर लिया जाए जिससे उसका अर्थ व्यक्त हो सके तो उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो यहाँ बिल्कुल वो ग्लॉसरी में उसको समझा दिया गया है उन शब्दों को फिर एक इंडेक्स है और यहाँ पृष्ठ संख्या 150 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है।
तो ये थी कुछ जानकारी ईस्टर्न बुक लिंकर्स द्वारा प्रकाशित श्री शंकराचार्य की सर्व सिद्धांत संग्रह के बारे में। इसके संपादक श्री M. रंगाचार्य हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।